कभी-कभी मुझे याद है, मैं जब राजनीति में नहीं था तो एक बहुत बड़े उद्योगकार, और वो ज़्यादातर गांधीयन लाइफ जीते थे, सेवा भाव में रहते थे, और उनके परिवार के एक व्यक्ति रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। तो मेरा रामकृष्ण मिशन से नाता होने के कारण मेरा उस परिवार से नाता रहता था। तो उन्होंने एक बंद पड़ी हुई खस्ता हालत एक इंडस्ट्री परचेज की। अब वो बंद क्यों हो गई थी, तो हड़ताल और यूनियन बाजी इन सब से हो गई। तो मैंने ऐसे उनको पूछा, मैंने कहा ऐसा रिस्क कैसे लिया आपने और ये क्या हुआ, क्या परिणाम आया? तो उन्होंने मुझे सिंपल सा बताया, बोले कुछ नहीं, हमने ले लिया और मैंने पहले दिन से वहाँ जाना शुरू किया और तय किया था 6 महीने में रेगुलर वहाँ जाऊँगा, और मैं जो वो लेबर कैंटीन थी वहाँ जा करके खाना शुरू किया, बस बैठता था वहाँ वहीं खाता था। मेरे इतने छोटे से निर्णय ने सभी मजदूरों की मेरे प्रति सोच बदल गई। उनको मैं मालिक नहीं लगता था, मुझे वो मजदूर नहीं लगते थे, वो जो खाते थे मैं खुश उनके टेबल पे वही खाता था, और उसने एक साइकोलॉजिकल परिवर्तन ये आया कि वो मेरे परिवार के सदस्य बन गए। और उन्होंने मेहनत ऐसी की, 6 महीने के अंदर डूबी हुई फैक्ट्री जो मैंने ली थी वो कमाऊ बच्चा बन गई। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या कभी आपने भी, आप अपने साथियों भी कहिए कि आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उनके घर में 12 साल का, 15 साल का, 18 साल का बच्चा होगा, क्या साल में एक दो बार उनको इकट्ठा किया, उनको इकट्ठे कर करके उनको मोटिवेशनल कोई अच्छी बातें की क्या, देश में बुराइयां न करना ऐसा कुछ समझाया गया? आप देखिए जैसा ही आप उनके बच्चों से अपना नाता जोड़ोगे, उसको इंक्रीमेंट मिले या न मिले, बोनस मिले या न मिले, वो आपके लिए जीवन भर समर्पित हो जाएगा। आप देख के रखेंगे, मुझे ये बदलाव लाना था।